नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल चैनल एंगेजमेंट। आप सभी का हमारा चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस में दे देता हूं। और आप जो एक स्क्रीन पे ये फ़ोटो देख रहे हैं, और 15 अगस्त का टाइम आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक 15 अगस्त की वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो को कैसे कर सकते हैं वो फ़ोटो एडिटिंग की एक वीडियो आपको बना के दिखाई जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो ये आपको स्क्रीन पे फ़ोटो एडिट करके दिखाया है मैंने, वो किस प्रकार कर सकते हैं आप भी अपनी फ़ोटो एडिटिंग, और उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप व्हाट्सएप DP बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाई दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होगी, उसका नाम है PicsArt। यहाँ पे दोस्तों मैंने PicsArt एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप दाएं तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस टूल्स के ऑप्शन पे आपको इजीली क्लिक कर देना है। टूल्स के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके एक ऑप्शन आ रहा है क्रॉप का, तो इसको थोड़ा सा फ़ोटो आपको क्रॉप कर लेनी है, थोड़ा छोटी कर लेनी है। क्रॉप करने के बाद यहाँ से ऊपर से भी आप थोड़ा सा क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद यहाँ बाएं तरफ आपको साइन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फिर से दाएं तरफ जाना है और यहाँ पे ऐड अ फ़ोटो कर लेना है। ऐड अ फ़ोटो करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो ले लेनी है, ये तिरंगे वाली। इस फ़ोटो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इस आप फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस फ़ोटो को आपको पूरे जितने भी कपड़े आपने पहन रखे हैं उस पर आपको पूरी कर लेनी है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके आपको पूरा कर लेना है। तो मैं फ़ोटो यहाँ पे बड़ी कर लेता हूँ। फ़ोटो यहाँ पे मैंने बड़ी कर दी। यहाँ पे बीच में देख सकते हैं ब्लू कलर की एक टिक आ रही है, तो वहाँ पे जब आ जाए ब्लू कलर की आपको टिक, तो वहीं पे आपको रोक लेना है। रोकने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपेसिटी, इसको आपको कम कर लेना है, और ये इसको आपको 59-60 के आसपास आपको कर लेना है। तो यहाँ पे 59-60 के आसपास कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बाएं तरफ देख रहे होंगे एक रबड़ का आइकन बन के आ रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में है इसको आपको क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पे इजीली मैं क्लीन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह की क्लीन कर लेना है। तो मैं ऐसे ऐसे क्लीन कर लेता हूँ। आपको थोड़ा सा जूम कर कर के भी आपको क्लीन कर लेना है परफेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पे ऐसे जूम कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं जूम करके आपको कर ले रहा हूँ। इसी तरीके आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो आपको बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करके आपको धीरे धीरे से आपको अपनी सुविधा के अनुसार से आपको इसको एडिट करना है, और धीरे धीरे से आपको स्क्रॉल करके ये देखिए हल्का हल्का सा करना है, जिसमें कि आपके कपड़े के ऊपर का ना जाए। उसी तरीके आपको करते रहना है। यहाँ पे अब आपको नीचे भी इसी तरीके आपको हल्का हल्का सा करना है, नीचे भी आपको यहाँ पे बहुत ही स्मूदली करना है, जिसमें कि आपको कुछ भी छूटे ना, आराम से आपको करते रहना है। यहाँ पे मैंने स्मूदली कर लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं दाएं तरफ राइट हैंड पे आपको टिक मार्क कर देना। टिक मार्क करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा अपनी सुविधा से बढ़ा लेना है या फिर घटा लेना, आप जैसा भी करना चाहें। जैसे हल्का सा कुछ रखना है तो आपको इतना कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बढ़ाना है तो इतना भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको 80 के आसपास कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है। और इसको क्लिक करने के बाद आपको बाएं तरफ आपको ऊपर जाना है, बाएं तरफ आपको टिक कर देना है। इस पर टिक करने के बाद यहाँ पे जब टिक कर देंगे तो एरो का निशान एक बार आ रहा है, फिर से आपको बाएं तरफ फिर से एरो के निशान पर टिक कर देना है। टिक के बाद ये आपकी फ़ोन गैलरी में आपकी ये फ़ोटो सेव हो जाएगी। यहाँ पर सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पर गैलरी में फ़ोटो सेव होगी। अब आपको ये फ़ोटो देखनी है तो मैं फ़ोटो ये दिखाई दे, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये फ़ोटो एडिट हो गई और काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। अब ये फ़ोटो आपको प्रोफेशनल तरीके से एडिटिंग लग रही है। अगर आपको अच्छी तरीके से एडिटिंग करना है तो आप इसमें कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।